पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल पिछले 25 साल से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पांचवी बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है और यही वजह है कि अब कांग्रेस भी इस सीट पर अपने मजबूत दावेदार को मैदान में उतारना चाहती है। संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डीडीहाट विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और अगर ऐसा हो गया तो जहां डीडीहाट सीट पर मुकाबला रोचक हो जाएगा और वहीं राज्य बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब डीडीहाट के सभी कांग्रेसी नेता किसी मुद्दे पर एकजुट नजर आएंगे। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत के लिए कुमाऊं की रामनगर, सल्ट और डीडीहाट सीट पर संभावनाएं खोजी जा रही हैं। रामनगर और सल्ट सीट पर पार्टी के उनके धुर विरोधी रणजीत रावत के चलते हरीश रावत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ऐसे में डीडीहाट सीट हरीश रावत के लिए सबसे मुफीद मानी जा रही है। अगर हरीश रावत डीडीहाट सीट से चुनावी अखाड़े में उतरते हैं तो बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, जिसे देखते हुए बिशन सिंह चुफाल ने अभी से ही हरीश रावत पर हमले शुरू कर दिए हैं। देखो, कभी बार हरीश रावत जी एक बार चुनाव नहीं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। हरिद्वार से भी लड़ चुके हैं, उधम सिंह नगर से भी लड़ चुके हैं, पिथौरगढ़ से भी चुनाव लड़ चुके हैं विधान जिले से। तो हरी रावत जी कब क्या बोलेंगे? हरी रावत जी तो आए, हमें तो उनका स्वागत है, आए ना चुनाव लड़ने के लिए, कौन मना कर रहा है? जनता जवाब देना तो जनता ने है, रिजल्ट तो जनता के हाथ में है, फैसला जनता के हाथ में है।